ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। घोड़ सवार एक भयंकर डकैत शमशेर खां था। वो धनवान की संपत्ति लूटकर गरीबों में बांट देता था, किंतु उसकी इन करतूतों से धनी लोगों की नींद हराम हो गई थी। सुल्तान के पास रोज शमशेर के नाम से शिकायतें आने शुरू हो गई। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे सैनिक और गुप्तचर चारों तरफ नजर रखे हैं, जल्द ही उसको बंद बना लेंगे। सुल्तान बहादुर, अभी खबर मिली है कि शमशेर खान आज रात नगर के गरीब गांव वालों को पैसा बांटेगा। सेनापति, हुक्म जहापना। आज रातों रात शमशेर को बंद करना ही होगा। आप निश्चिंत रहिए जहापना, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उसके बाद सेनापति के साथ तत्परता से सारे सैनिक शमशेर को पकड़ने के लिए निकल गए। दूसरा दिन शुरू हुआ उस पर विचार। शमशेर खा, तुम्हारे विरुद्ध अभियोग है कि तुम राज्य में धनी और प्रभावशाली लोगों के यहाँ चोरी करते हो, क्या ये बात सच है? हाँ सुल्तान बहादुर, ये बात सत्य है। हमारे राज्य में चोरी, डकैती, खून, ये सारे राज्य द्रोह की सजा के पात्र हैं, और इस गुनाह की सजा केवल और केवल मृत्यु दंड ही है। आने वाले दो दिन में आज्ञा का पालन हो। सारी चीजों का प्रारंभ जैसा होता है, अंत भी वैसा ही होता है। शांति और व्यक्तिक्रम, इसका अंत कभी नहीं होता। हाय हाय हाय, ये क्या हुआ? शमशेर खां ही था हम गरीबों का, लाचारों का सहारा। इसके मरने के बाद हम लोगों का क्या होगा? ये बात तो सच है, धनी महाजन प्रभावशाली के हाथ हम लोगों का शोषण होते ही रहेगा और होते ही रहेगा। शमशेर खां को बचाने का कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सुल्तान के यहाँ शमशेर को लेकर रोज कोई ना कोई अभियोग पहुँचने लगा। उस दिन बंदी गृह के पास बहुत लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबको इंतजार था डकैत शमशेर सिंह के अंतिम क्षण का। एक समय ये अंतिम घड़ी आ गई। सेनापति वहां आ गए। दुष्ट शमशेर सिंह, मृत्यु दंड के पहले तुम्हारे हाथ का बंधन खोल दिया जा रहा है। इस बार अपने पापों को याद कर अल्लाह का स्मरण कर लो। सैनिकों, बंधन खोल दो। जो हुकुम। अचानक वहां कोलाहल मच गया। सुल्तान का मृत्यु हो गया, 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 सुल्तान का मृत्यु हो गया। मूर्ख इंसानों, सही गलत का विचार ना करते हुए सारा काम छोड़कर तुम यहाँ चले आ गए। सर्वनाश हो गया सुल्तान बहादुर, शमशेर खां भाग गया। लग रहा है शमशेर खां को भगाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अति शीघ्र अफवाह फैलाने वाले को हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुकुम। क्यों तुम ये अफवाह फैलाए हो? जानते हो
तुम्हारी वजह से एक भयंकर डकैत बंदीगृह से भाग गया। जानता हूँ सुल्तान बहादुर, उसका नाम शमशेर खान। मेरे बेटी की शादी में उसने मुझे 2000 रुपयों की मदद की थी, भला ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसने हम पर इस तरह उपकार ही किए थे, आज उसका कर्जा उतारने का मौका मुझे मिला। और अकेले मैं ही नहीं, मेरे जैसे सारे गरीब बेचारे लोगों का वो एक सहारा है। महामंत्री, क्या ये बात सच है? जी हुजूर, मैंने भी बहुत बार सुना है कि शमशेर खां गरीबों का माता पिता है। आज ये बात खुद के कानों से सुनी। तो क्या उसे मृत्यु दंड देना उचित होगा? ना सुल्तान बहादुर, उसको मृत्यु दंड देने से गरीब असहाय लोग विद्रोह पर उतर आए। तो इसका वही उपाय? इसका उपाय उसके पूर्व अपराध को क्षमा कर उसको राजकार्य के लिए नियुक्त किया जाए। प्रजा हित में लोग सदा ही प्रजा के हित में कार्य करेंगे, सुख शांति की तरफ नजर रखेंगे। सुल्तान बहादुर, महामंत्री की बात मानकर शमशेर खान के पास एक पत्र भेजे। शमशेर बहादुर सुल्तान की बात मानकर राज दरबार में प्रस्तुत हुए और उसे राज कर्मचारी का पद बहाल कर दिया गया।